किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। किसान आंदोलन का असर पंजाब पर दिख रहा है। आज किसानों के साथ चौथे दौर की बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ के साथ किसान मुद्दों को लेकर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पंजाब के कृषि हालतों पर तो चर्चा की, साथ ही किसान आंदोलन को हल करने के लिए भी गंभीर विमर्श किए। और उन्होंने, अर्जुन मुंडा ने ये सारी चीजों को बोला कि ये सारा कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और किसानों से बातचीत चल रही है और बहुत शांति तरीके से ये सारी चीजें बहुत सार्थक नजर आ रही है। अब देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल और इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। तो देखा आपने कि अर्जुन मुंडा ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो किसानों की परेशानी है वो सरकार उसको हल करते हुए जरूर नजर आएगी। और ऐसे में जो भी किसानों ने उनको प्रतिक्रिया दी है अपना, वो बहुत सार्थक रहा है और बहुत पॉजिटिव फीडबैक उनको मिला है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जल्द आने वाले समय में किसानों का मुद्दा हल होता हुआ नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे जो राय होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।